से एक कलाम मुझे याद आ गया, अब्दुल सत्तार अहमद नियाजी मशहूर ना वो शायर गुजरे हैं, ना वो भी थे ना स्वामी थे, उनका कलाम मुझे अचानक याद आ गया और आपने यकीन सुना है। और ये कलाम मैंने इंतखाब इसलिए किया कि मैं चाहता हूं कि आपकी भी निकले आवाज, आपकी भी निकले आवाज। क्या निकले आवाज? कैसे निकालते हैं बता? नहीं पता तो आज सीख लो वापस से। कहीं शहर में कोई खामी होती है तो मैं अपनी तरफ से पूरी बदल दी, क्योंकि ये बात याद रखना कि ऐसे अल्फाज जो तस्वीर हो जो छोटे रहते हैं पेश के रहते छोटे पढ़ता हूं चल रहा ये सुन लेता कि कुछ हम लेके जाए, हम फकीरों को मदीने के लिए अच्छी लगी। एक बार पढ़ लीजिए, हम फकीरों को मदीने नकली में हुजूर की आए हैं कुछ लेके जाएंगे, कुछ नहीं सब कुछ लेके जाएंगे। कुछ क्यों कहूं मैं आज कर रहा था, ऐसे लफ्ज जो तस्वीर हो वो हुजूर की शान में दानिश का इस्तेमाल करना ये कुफ्र है, और दानिश का ना हुआ गैर दानिश का हुआ तो हराम है। और जितने भी सहाबाए कराम हैं, औलिया कराम हैं, बुजुर्गान दीन हैं, हस्तियां हैं, उनके लिए भी इस्तेमाल करने वाली लफ्ज जायज नहीं। एक होता है झोपड़ा, और झोपड़ा की तस्वीर है झोपड़ी। हलीमा साजिया का झोपड़ा बड़े बड़े महल्ला कुर्बान। हम कौन होते हैं उनके झोपड़े को झोपड़ी कहने वाले? ये बस सही है, अदब के खिलाफ है, इसलिए मैं चेंज करता हूं कि नाज़िक़ तू है हलीमा सरवरे कौमें पर, नाज़िक़ तू है हलीमा अच्छी है मगर मेहरों माँ की रोशनी मान
والوں کی نمائندگی کرتے ہیں، جب صرف اپنے آپ کی بات نہیں کر رہا، تمام نعت خانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے شعر پڑھ رہا ہوں، اگر اچھا لگے تو قبر تم سبحان اللہ رکھ دیں۔ باقی میں بھی مناسب سے ہے، جو کچھ آپ نے دیکھا سنا آپ خود کہیں گے کہ آج میں نے فلم نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج میں نے فلم نیازی نعت جو سب نے پڑھی، آج میں نے فلم نیازی نعت جو سب نے ہوتی ہے کہ جب کہیں کوئی نعت خوانی ہوتی ہے تو اس میں بچے بھی آتے ہیں، اچھا بچے بھی آتے ہیں، بچیاں بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ